कि बेसिक वाली, जैसे कोऑर्डिनेट में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी भी पॉइंट रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके सामने एक्स और वाई एक्सिस लेकर, किसी भी पॉइंट को अगर आपको ड्रॉ करना है एक्स कॉमा वाई को, तो ये वाली डिस्टेंस आप क्या लेते हैं? किसी पॉइंट को अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस वाली डिस्टेंस को आप क्या लेते हैं एक्स, और ये वाली डिस्टेंस आपके लिए क्या हो जाती है वाई। तो ये तो पहली इंफॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में हर सिचुएशन में सेट होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है। इसके बाद अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट प्लेन को ही सिंपली फॉर्म में लूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अगर हमें कोई पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे लेना है तो उसे हम लेते हैं एक्स कॉमा जीरो, जहाँ पे एक्स कैसा होता है पॉजिटिव। अगर हमें यहाँ लेना है तो भी वो पॉइंट एक्स कॉमा जीरो ही लेंगे, बट यहाँ एक्स कैसा हो जाता है निगेटिव। अगर हमें कोई पॉइंट यहाँ लेना है तो उसको हम जीरो कॉमा वाई लेंगे, कहाँ पे वाई एक्सिस पे अगर हमें कोई पॉइंट लेना है तो। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है? और वाई यहाँ पे कैसा होता है पॉजिटिव। अगर हमें कोई पॉइंट यहाँ लेना है तो उसके लिए वाई कैसा हो जाता है निगेटिव, क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पे, और ये ओरिजिन होता है रेफरेंस पॉइंट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन, अगर हमें दो पॉइंट पता है एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू, तो इनके बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो वो एकदम बेसिक सा रिजल्ट, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद अगला, अगर एक पॉइंट ए है दैट इज एक्स वन कॉमा वाई वन, एक पॉइंट बी है दैट इज एक्स टू कॉमा वाई टू, और इस पर हमें कोई पॉइंट पी लेना है जो कि इस ए बी सेगमेंट को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। मतलब ये ए पी बाई पी बी का जो रेशियो है वो एम इज टू एन है, कैसा? इंटरनली। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो सी पॉइंट पी पॉइंट निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है? एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन बाई एम प्लस एन। और अगर यही पी पॉइंट एक्सटर्नली लाई करता है, मतलब अगर हम ये पॉइंट एक्स वन वाई वन लें और इस पॉइंट को एक्स टू वाई टू लें, और यही पी पॉइंट हमारा एक्सटर्नली लाई करता है सेम रेशियो ए पी इज टू पी वी एम बाई एन में, और अब ये पॉइंट हमारा एक्सटर्नली है, समझ गए कि नहीं भाई? तब ये पी पॉइंट प्लस की जगह बस माइनस दे देगा, तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन आ जाएगा। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली की बात हो गई। इसके बाद अगर कोई लाइन एल है, इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो एक लाइन सेगमेंट है ए बी को ज्वाइन करने वाला, एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू, और उसको किसी पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है? पी पे कट कर रहा है। तो पी डिवाइड्स, मतलब पी क्या? लाइन एल, लाइन एल डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, याद रखना लाइन सेगमेंट ए बी नॉट बी ए, ए बी विद रेशियो, तो रेशियो डायरेक्ट आता है एल ए बाई एल बी। एल ए का मतलब ए पॉइंट लाइन पे रख दो, यानी कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और एल बी का मतलब बी पॉइंट रख दो, मतलब ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये रेशियो निकाल दीजिए। अब यहाँ पर माइनस साइन है, अगर ये माइनस साइन बाई कैलकुलेशन बच गया तो माइनस साइन ये बताएगा कि रेशियो कैसा है एक्सटर्नली। अगर ये प्लस में आ गया, जैसे मान लो रेशियो आया माइनस हाफ, तो ये बता रहा है कि ये वन इज टू टू के रेशियो में क्या डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। अगर यही रेशियो प्लस हाफ आया तो वन इज टू टू का रेशियो है कैसा? इंटरनली। तो कोई भी लाइन अगर आप खींचोगे, और वो ये इंपॉर्टेंट है, इससे कैलकुलेशन रिड्यूस होता है, कोई भी लाइन आपने खींची और वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है भाई? एल एस टू एल बी के रेशियो में। समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम यही काम, करें कि वो सेगमेंट एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू जीरो, और अगर हम इसको देखें, ये डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट
सेम लाइन सेगमेंट ए बी तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, माइनस वाई वन बाई वाई टू, है ना। और यही अगर हम वाई एक्सिस ले लें, उसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू जीरो, ये डिवाइड्स किस रेशियो में डिवाइड करेगा, द लाइन सेगमेंट ए बी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, माइनस एक्स वन बाई एक्स टू। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन वाइज आप यूज करेंगे डायरेक्ट, वही एल ए एल बी का ही रूल लगा दिया है। तो अगर हम एक्स एक्सिस से देखेंगे तो माइनस वाई वन बाई वाई टू, अच्छा माइनस साइन अगर बचा रह गया तो रेशियो एक्सटर्नली होगा, बचा नहीं रह गया तो रेशियो इंटरनली हो जाएगा। क्या यहाँ तक लिखी बात सबको दिखी, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है रेशियो से रिलेटेड। अच्छा इसके बाद कैलकुलेशन रिड्यूस करने में एक चीज का आप शॉर्टकट तरीके से और यूज कर सकते हैं, दैट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की थ्योरी क्या है कि अगर हमने कहा ये मिड पॉइंट है, ये ए है दैट इज एक्स वन वाई वन, और ये पॉइंट बी है दैट इज एक्स टू वाई टू, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे x1 + x2 / y2 + y1 / y2 / 2। ये मैं नहीं बताना चाह रहा था, ये तो आपको पता है। मैं जो चीज शॉर्टकट में बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर ये पॉइंट x1, y1 है और ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है और इसका मिड पॉइंट आपको दे दिया गया x2, y2, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब C जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सीधा सीधा बी पॉइंट लिखते हैं ट्वाइस ऑफ सी माइनस ए, ट्वाइस ऑफ सी माइनस ए। देख लो भाई आप इसको अल्फा बीटा ही तो मानोगे, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस एक्स वन बाई टू इक्वल टू एक्स टू, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, टू एक्स टू माइनस एक्स वन। बट हम ये कैलकुलेशन अब बार बार नहीं करेंगे, हम सीधा ये लिखना सीखेंगे, इसका ट्वाइस माइनस दिस, इसका ट्वाइस माइनस दिस, तो आपको सीधा बी पॉइंट मिलेगा। ये मिड पॉइंट का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, ये मिड पॉइंट का वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके कैलकुलेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या ये बात समझ में आई सबको, बोलो सर। तो ये रेशियो और इन सब से रिलेटेड मतलब आसान से सेगमेंट हो गए जो आप क्वेश्चन वाइज डायरेक्ट यूज करोगे, जहां जैसी सिचुएशंस आएगी उनको यूज करके आप सिंपलीफाई करके सीधा आंसर लिख दिया करोगे। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, यही तो कर रहे होगे भाई, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है तो तुरंत पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या लोगे, 0, λ, और उसकी इन दो पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब 4 + λ - 3² इज इक्वल टू 16 + λ - 1² क्या मैं सही लिख रहा हूँ, तो बी आएगा, बी। बस यहीं से इसको सॉल्व कर दो, 0, -1 कोई एकदम सही आंसर भाई। आगे देखो अगला वाला सॉल्व करो, सीधा इसको क्या लिखोगे, 6λ + 9 इज इक्वल टू 16 + λ² - 2λ + 1, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, बाकी सारी चीजें एक ले आओ, तो 4λ कितना आ गया देखो, 17 और 13, माइनस 4 आ रहा है क्या, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा। दिखा क्या नहीं सबको, तो अगले वाले में क्या है, ये जो सेगमेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखिए को 2 माइनस दिया हुआ, बी पॉइंट 5, 6 दिया हुआ, तो फॉर एक्स एक्सिस क्या लिखोगे आंसर बताओ, माइनस वाई 2 वाई 1, माइनस साइन आपको क्या बताएगा कि रेशियो 2:5 है, मगर कैसा है, एक्सटर्नल, y1 / y2 लिखो, तो 3/6, 1/2 आएगा, यानी 1:2 का रेशियो कैसा आ रहा है, इंटरनल, समझ गए। और फॉर x क्या लिखोगे, सॉरी फॉर y एक्सिस क्या लिखोगे, बोलो सर, x2 / x1 इंटरनल एक्सटर्नल की बात समझ में आई, बोलिए, गुड। इसके बाद सेकंड चीज आते हैं हम लाइन की इक्वेशन में, तो उससे पहले हम एक वर्ड आता है स्लोप ऑफ लाइन, उसकी बात कर लेते हैं, उसके बेसिक्स को समझ लेते हैं।
स्लोप ऑफ लाइन का बेसिक एकदम सिंपल सा है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल बनाती है, सपोज ये लाइन एल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव साइड, उसके साथ एंटी क्लॉक सेंस में अगर थीटा एंगल बनाती है, तो इस एंगल का टेन आप निकालते हैं तो उसे हम स्लोप कहते हैं। समझ में आया? एंटी क्लॉक सेंस इंपॉर्टेंट है, एक तो एंटी क्लॉक सेंस इंपॉर्टेंट है और लाइन का एंगल, तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल अचीव करती है उस एंगल के टेंजेंट को ही हम क्या नाम देते हैं बताइए, उसी एंगल के टेंजेंट क्या नाम देते हैं, स्लोप। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाई लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक सेंस, उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप। ये ध्यान रखिएगा डेफिनेशन एकदम, क्योंकि इस डेफिनेशन का बहुत यूज होता है, तो जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने हो तुरंत आप इस डेफिनेशन के हिसाब से स्लोप लेंगे। अच्छा, स्लोप टेन थीटा होता है, तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू जीरो से लेके पाई बाई टू, सॉरी जीरो से लेके पाई तक कुछ भी हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकती, पाई बाई टू। इसीलिए जैसे ही कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है एक्स एक्स, ये इस लाइन का स्लोप जो है नॉट डिफाइंड होता है। समझ गए कि नहीं? तो सिर्फ एक ही टाइप की ऐसी लाइन होती है जिसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता, जो कि किसके पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल। समझ गए? इसके बाद by calculation अगली इंफॉर्मेशन, अगर आपको tan थीटा पता है यानी m पता है, और इसकी हेल्प से आपको sin थीटा और cos थीटा में कमेंट करना है, तो दो सिचुएशन है, अगर m पॉजिटिव है तो sin और cos दोनों पॉजिटिव होंगे, बट अगर m नेगेटिव है तो sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, थीटा दो क्वाड्रेंट कवर करता है, फर्स्ट और सेकंड। अगर एम पॉजिटिव है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर एम नेगेटिव है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी टेन थीटा आप किसी भी लाइन का लेंगे और उसको उसकी हेल्प से साइन थीटा और कॉस थीटा किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे, और अगर एम पॉजिटिव है तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर एम निगेटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव ली जा सकती है। इसके एकदम ध्यान रखिएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि स्लोप ऑफ लाइन आपने लिखा -3/4 है, तो इसका मतलब m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू -3/4 होगा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होगी और कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 होगी। तो जब भी क्वेश्चन में आप साइन और कॉस यूज करेंगे तो साइन थीटा की जगह 3/5 रखेंगे और कॉस थीटा की जगह 2/5 रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन करते वक्त इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं कि अगर दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हैं तो लाइन का स्लोप क्या होगा, x2 y2 x1 क्या लिखेंगे, y2 y1 x2 x1। दो पॉइंट आपको पता है तो उनको जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप आपको लिखना है, तो आप सीधे उसको x2 x1 y2 y1 उठा के लिख देंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। गुड, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अब हम आते हैं, आपने लाइन की इक्वेशन भी देखी होंगी, उसमें से आप पांच तरीके की लाइन की इक्वेशन देखते हैं जिसमें दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, मैं पांचों लिख देता हूँ, है ना। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन की हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन में पांच टाइप की इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन होती है स्लोप, इसमें होता है और क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, वो भी कौन सा इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो वो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx + c, जहां पे m उसका स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है। अगली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कि एक पॉइंट दिया होगा और हमें क्या पता होगा, लाइन का स्लोप पता होगा, तो वो इक्वेशन होती है y - y1 / x - x1 = m। फिर एक इक्वेशन होती है जिसमें आपको दो पॉइंट दिए होते हैं, तो पहले दो पॉइंट की हेल्प से आप क्या निकाल लेते हैं, स्लोप, और फिर एक पॉइंट लेके ऊपर वाला इक्वेशन लगा देते हैं, तो y - y1 x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1। अब दोनों इंपॉर्टेंट वाली, इसके बाद आता है
इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन होती है x by a plus y by b equal to 1, जहां पे क्या होता है a and b are intercept made by line, कहां पे on coordinate planes, coordinate axis, on coordinate axis, x पर a intercept बनाता है, y पर b. अब important बात, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहा जाए कि एक लाइन एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करती है और आपको उस लाइन की इक्वेशन एज्यूम करनी है, तो हमेशा लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में एज्यूम की जाती है. मतलब अगर एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करती है और हमें लाइन की इक्वेशन एज्यूम करनी है, तो हम हमेशा लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में. क्लियर है? और किसी भी लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो ए और बी की वैल्यू आएगी विद साइन, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब प्लस एक्स में इंटरसेप्ट, प्लस वाई में इंटरसेप्ट हो रहा है. अगर ए नेगेटिव आ रहा है, मतलब लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी बीच में प्लस साइन करने के बाद, अगर बी की वैल्यू निगेटिव आ गई, तो इसका मतलब निगेटिव साइन आपको ये बताएगा कि लाइन जो है वाई एक्सिस नहीं, कहाँ कट कर रही है, माइनस वाई एक्सिस पे कट कर रही है बी मैग्नीट्यूड से. तो ए और बी का जो साइन होगा वो ये बताता है कि लाइन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो प्लस एक्स एक्सिस पे हो रहा है या माइनस एक्स एक्सिस पे हो रहा है, या प्लस वाई पे हो रहा है या माइनस वाई पे हो रहा है. मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म में एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट अटेन करती है, मतलब अ लाइन अटेन इक्वल इंटरसेप्ट on coordinate axis, किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आप हमेशा लाइन का स्लोप क्या लेंगे, माइनस वन. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये स्टेटमेंट आपको किसी भी क्वेश्चन में लिखा मिले कि एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट अटेन कर रही है, तो लाइन का स्लोप आपको क्या लेना है, माइनस वन. क्योंकि माइनस वन स्लोप लेंगे तभी वो इक्वल इंटरसेप्ट की बात हो पाएगी. समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इंटरसेप्ट वाली सिचुएशंस ऐसी होती है. इंटरसेप्ट ऑफ लाइन की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन आपकी ऐसी होती है. तो अब ये इंटरसेप्ट ए होता है, ये इंटरसेप्ट बी होता है, अभी तो हमने एक्सिस पे ही आपको कहा है. समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रही है तो आप इंटरसेप्ट हमेशा ऐसे अज्यूम करेंगे. अब अगर इंटरसेप्ट की लेंथ सेम है, इंटरसेप्ट क्या इक्वल है, तो या तो ऐसे इक्वल हो सकता है या ऐसे इक्वल हो सकता है. अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा, सर ऐसे भी तो लेंथ इक्वल हो सकती है ना, बट इंटरसेप्ट इक्वल नहीं, क्योंकि ये प्लस में होगा, ये माइनस में हो जाएगा. तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट की बात की जाएगी तो लाइन या तो फर्स्ट ऐसे होगा, समझ रहे हो, या लाइन ऐसे होगा, तब ये और ये सेम निगेटिव निगेटिव होंगे, ये और ये सेम पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे. तो यानी उस केस में ये एंगल हमेशा 135 बनेगा, तो लाइन का स्लोप हमेशा कितना आएगा, माइनस वन. क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो. और इसके बाद लास्ट सिचुएशन आती है इक्वेशन ऑफ लाइन में, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म लाइन की इक्वेशन होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, जहां पर पी पॉजिटिव होता है और अल्फा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है. अच्छा, इसमें पहले तो ये अल्फा और पी होते क्या ये समझ लो, क्योंकि इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है. मान लो आपने कोई भी लाइन खींची, ये तो इस लाइन पर आपने ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर, तो ये जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हैं, एक सेकंड, इस लाइन पर आप ओरिजिन से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो पी होती है, और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉक सेंस में जो एंगल बनाता है वो एंगल जो होता है वो एंगल होता है अल्फा. तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है क्वेश्चन में. अल्फा का मतलब होता है एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक सेंस. सही है? और P क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
पी होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेंस जरूर ध्यान रखिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक सेंस में, किसका एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर वो अल्फा होता है और लेंथ, अच्छा लेंथ है इसीलिए वो पॉजिटिव होता है और अल्फा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है। ये सिचुएशन होती है नॉर्मल फॉर्म की। तो नॉर्मल फॉर्म में आप लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब इन पांच में से जहां क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन दी होगी आप अपनी लाइन की इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। अगर आपको इंटरसेप्ट दिया है एम दिया है तो आप लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख देंगे। अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया है तो आप ये लिख देंगे, दो पॉइंट दिए हुए तो ये वाला फॉर्मूला। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात चली होगी तो एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू वन ले लेंगे, उसके हिसाब से आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख देंगे, ठीक है ना। अब जैसे आपने ये कहा कि एक लाइन जनरल इक्वेशन अगर हम लाइन की देखें तो हर बार एक्स वाई और कॉन्स्टेंट ही टर्म आ रहे हैं, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप सोचें तो वो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गई। इस इक्वेशन को देखने के बाद अगर हम देखें तो स्लोप जो लाइन का मिलेगा वो माइनस ए बाई बी होता है, एक्स इंटरसेप्ट जो लाइन का मिलेगा वो होता है माइनस सी बाई ए, और वाई इंटरसेप्ट जो होता है, ये डायरेक्ट लाइन देखते ही आप लिख देंगे, वो होता है माइनस सी बाई बी। भाई स्लोप के लिए क्या करोगे, वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी लिख दोगे, और इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू वन लिख दोगे। दिखा कि ये कैसे लिख रहे हैं, सी को इधर ले आप डिवाइड कर दिया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। वैसे एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप एक काम और कर सकते हो, उसमें वाई को क्या लिख दो, जीरो है कि नहीं। एक काम आप ये भी कर सकते हो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या कर सकते हो, पुट y इक्वल टू जीरो, फॉर y इंटरसेप्ट क्या कर सकते हो, पुट x इक्वल टू जीरो, तो उससे भी सेम आ जाएगा। बट लाइन की इक्वेशन इतना काम क्यों करेंगे, अगर ये रिजल्ट हमारे दिमाग में है तो सिंपल है, स्लोप के लिए माइनस ए बाई बी करना है, x और y के कोफिशिएंट का रेशियो लेके माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना है, c देखना है और y क्या कर देना है, x इंटरसेप्ट के लिए y a कर देना है, y इंटरसेप्ट के लिए y b कर देना है और माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है कि जनरल लाइन से इतनी इंफॉर्मेशन तो एकदम स्ट्रेट है, जो लाइन की इक्वेशन देखते ही आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जहां जैसी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी उसके हिसाब से आप वही सेम काम करते चले जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलिए। तो अब जहां जैसी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी वहां आप उस तरह की इक्वेशन यूज कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, एक स्ट्रेट लाइन है जो 3.4 से पास कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां पे कट कर रही है उसके रेफरेंस में जो 3.4 पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली 3.4 मिड पॉइंट बनेगा, तो ये 6.0 होगा, ये 0.8 होगा, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा भाई लाइन का, बोलो 6, और वाई इंटरसेप्ट लाइन का कितना होगा भाई, सी ऑप्शन आ रहा है, 8 हो गया, खत्म। तो इसका मतलब लाइन की इक्वेशन एक्स बाई सी y by 8 हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आया, 4x plus 3y equal to 24, खत्म। क्वेश्चन दिखा कि नहीं भाई, तभी यही हो गया ना कि x और y एक्सिस पे जहां इंटरसेप्ट होगा जस्ट ये वाला मिड पॉइंट तभी होगा क्योंकि ये इसका डबल होगा और ये इसका डबल होगा, खत्म। चलो अगला वाला सॉल्व करो, सेकंड भी आसानी है, द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस, इंटरसेप्ट का सम बताना है जबकि लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अब x इक्वल टू माइनस टू खींचोगे और y इक्वल टू थ्री खींचोगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिल जाएगा, माइनस टू कॉमा थ्री, इसका मतलब लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, माइनस टू कॉमा थ्री से, और उसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा x एक्सिस के साथ, टेन इनवर्स माइनस फोर, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर, यानी लाइन का स्लोप कितना मिल गया, माइनस स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन मिल गई, कितनी मिल गई, y माइनस थ्री अपॉन x प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर। यहाँ तक तो सब लोग पहुंच गए होंगे, बोलिए भाई क्या हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, नहीं sir. यहाँ तक में किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है, वो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ तक तो चीजें एकदम सिंपल सी हैं।
अब तो सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को चेंज करके एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है y माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस एट, तो इसका मतलब फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस फाइव, तो x इंटरसेप्ट माइनस फाइव बाई फोर आएगा और y इंटरसेप्ट माइनस फाइव आएगा। दोनों इंटरसेप्ट को आपको बस क्या करना है, ऐड कर देना है, तो माइनस फाइव बाई फोर और माइनस फाइव दोनों ऐड कर दो, आंसर कितना आ रहा है माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर, सी ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए अगला करिए जरा, अगले में आपको रेशियो भी लेना है और पॉइंट भी लेना है। रेशियो ध्यान रखिएगा एक्सटर्नली है, रेशियो कैसा है एक्सटर्नली, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम निकाल लेंगे, रेशियो एक्सटर्नली ले लेंगे और सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए जरा जल्दी से, बस दो पॉइंट निकालने थे, दो पॉइंट निकाल के सबसे पहले वो पॉइंट निकाल लीजिए, पॉइंट तो आराम से निकल आएगा, ये टू कॉमा जीरो दिया हुआ है, ये थ्री कॉमा वन दिया हुआ है, वन इज टू टू का रेशियो लेना है कैसा एक्सटर्नली, तो इसका मतलब टू एम इंटू एक्स वन ना, अरे बोलो भाई एम इंटू एक्स वन बताओ भाई, थ्री माइनस वन आ एम इंटू एक्स वन या एम इंटू वाई वन, एम इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, फिर एम इंटू वाई वन और माइनस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस वन, तो ये पॉइंट कितना आ रहा है भाई माइनस थ्री, थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो ये शायद माइनस वन बाई माइनस वन, वन कॉमा थ्री बाई माइनस वन, नहीं वन कॉमा थ्री माइन, वन इंटू थ्री होगा सर, माइनस टू इंटू जीरो, वन इंटू वन होगा, मतलब वाई टू वन है सर, थ्री नहीं है, सॉरी वाई टू वन है, वन इंटू वन होगा, तो यानी वन कॉमा वन आ रहा है क्या, माइनस वन सर, चलो तो ये पॉइंट आ गया। अब एक पॉइंट पी वन ये मिल गया, एक पॉइंट इसको सॉल्व करके निकाल लो, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, सॉल्व हो गया कि नहीं भाई, फोर एक्स प्लस टू वाई, फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ट्वेंटी टू, दोनों को माइनस कर दो उठा के, तो यहाँ से थ्री एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया नाइन माइनस का, तो एक्स थ्री आ रहा है यहाँ से, और अगर एक्स थ्री आ रहा है तो वाई कितना आ जाएगा फाइव, देखो तो दूसरा पॉइंट पी टू कितना आ गया थ्री कॉमा फाइव, चेक करियो क्या सही लिख रहा हूँ, बस अब तो लाइन की इक्वेशन सीधा उठा के लिख दो, तो y प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन, तो टू वाई प्लस टू इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सिक्स, इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है इसका सिक्स एक्स माइनस टू वाई, टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो आंसर आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई, और साथ में कितना आ जाएगा माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, है कोई ऑप्शन देखिए जरा, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फोर, ए आंसर आ रहा है क्या, देखो समझ गए कि नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन हो, यस सर यस, समझ आया क्या क्या काम किया, एक्सटर्नली वाला पहले रेशियो निकाल लिया, वो एक पॉइंट आया, इसके बाद सीधा सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लिया, दो पॉइंट मिल गए, दो पॉइंट वाली फॉर्म लगा दिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, खत्म। जैसा ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा था, सबसे पहले एक्सटर्नली डिवाइड किया तो वो, इसके बाद सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला वो, और सीधा दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिख दिया, आंसर आ गया। अगला आइए, पासेस थ्रू ओरिजिन व्हिच डिवाइड दिस एंड दिस इनटू टू कॉन्ग्रेंट पीसेस, तो इसके लिए एक छोटा सा रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम को कोई भी पैरलोग्राम को कोई भी लाइन दो कॉन्ग्रेंट पीसेस में अगर डिवाइड करती है, पैरलोग्राम को कोई भी लाइन दो कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड करती है, तो इसका वो लाइन हमेशा कहाँ से पास करती है, वो लाइन हमेशा कहाँ से पास करती है, अगर सेक्शन ऑफ डायगोनल डायगोनल, या इसे हम सेंटर ऑफ मास की थ्योरी के हिसाब से रिलेट कर सकते, वो हमेशा उसके सेंटर से पास करती है, याद है इसे हम सिमेट्रिक लाइन कहते हैं, सेंटर ऑफ मास में आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, उसे हम सिमेट्रिक लाइन बोल देते हैं,
तो कोई भी लाइन जो आपने कहां से पास करा दी, इसके सेंटर से पास करा दी, वो हमेशा इसको दो कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड करेगी ही करेगी। कोई भी लाइन पास करा के देख लो, अगर वो उसके सेंटर से पास कर रही, देखो ये देखो ऐसे एक लाइन पास करा दो जो उसके सेंटर से पास कर रही है, तो कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से पास करेगी वो हमेशा उसको दो कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड करेगी। सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो ये चीज कहीं स्टार करके नोट कर लीजिए कि एनी लाइन पासेस थ्रू कहां से, सेंटर ऑफ पैरेललोग्राम, सेंटर ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या जी, डायगोनल, ठीक है, डिवाइड्स डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पीसेस। समझ गए? तो दो कॉन्ग्रुएंट पीसेस में तब डिवाइड करता है जबकि वो सेंट कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ पैरेललोग्राम। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। सेंटर ऑफ पैरेललोग्राम तो वैसे भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है कि नहीं? तो अगर ये पॉइंट आप लो 10.45, ये पॉइंट आप लो 10.114, ये पॉइंट आप ले लो कितना 28.153, और ये पॉइंट आप ले लो कितना 28.84, तो जो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा जी वो कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। बोलिए भाई, तो वो शायद 19.99 आ रहा है। लाइन किस पॉइंट से पास कर रही, ओरिजिन से, दो पॉइंट लाइन पे मिल गए तो स्लोप कितना आ गया 99-0/19-0। समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और सीखने वाली थी, वो ये थी कि अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना रहा है और उसके चारों वर्टेक्स आपको पता है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आध बार पूछ लिया गया डायरेक्ट, तो पहली बात तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, सेम। तो अगर ये वर्टेक्स x1 y1 है और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब x1+x3=x2+x4 एंड y1+y3=y2+y4। अगर ऐसा है तो ये जो ए बी सी डी है वो हमेशा पैरेललोग्राम है। देन ए बी सी डी ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। समझ गए कि नहीं भाई? बोलो। तो ये हमेशा बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट। रॉम्बस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इसका भी यूज एक आध बार हुआ है। रॉम्बस में क्या हो जाता है कि रॉम्बस एक पैरेललोग्राम होता है तो डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बट चूंकि ये क्या है, एक रॉम्बस हो गया है, तो इसकी चार, पहली बात तो चारों साइड इक्वल होंगी, इसमें सिर्फ आमने सामने की साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच का एंगल 90 होता है। रॉम्बस में बस ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कि रॉम्बस में इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, ये एंगल 90 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका यूज कई बार हुआ है कि डायगोनल ऑफ रॉम्बस इंटरसेक्ट्स एट एन एंगल 90 डिग्री। या हम कह दें कि रॉम्बस के डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रॉम्बस के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी है भाई, पैरेललोग्राम की। रॉम्बस के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं
क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी है भाई, पैरलोग्राम की, बट साथ में उनके बीच का एंगल क्या होता है 90। क्लियर? अच्छा इसके बाद स्क्वायर हो या आपका क्या हो, अच्छा स्क्वायर में जो इंफॉर्मेशन जिस पर बेस क्वेश्चन अभी तक एक आध बार पूछा गया है वो सिंपल सी है कि अगर आपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है, और उनके बीच का एंगल भी 90 होता है। तो स्क्वायर के डायगनल इक्वल लेंथ के होते हैं क्योंकि स्क्वायर और रॉम्बस में सिर्फ फर्क इसी बात का होता है ना कि उसकी साइड के बीच का एंगल 90 ना हो बस। तो ये एंगल, ये लेंथ इक्वल होते हैं, अच्छा इसके चारों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ये साइड लेंथ आपस में चारों इक्वल होती है, ये एंगल 90 होता है, ठीक है, इसके डायगनल भी 90 का एंगल बना रहे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फर्क ये होता है कि इसमें ये वाले एंगल जो होते हैं ये एंगल 45 डिग्री होते हैं। इन सब केसेस में ये एंगल बाइसेक्ट होता है, मतलब पैरलोग्राम का जो डायगनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, बट रॉम्बस और स्क्वायर के केस में वो बाइसेक्ट हो रहा होता है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री होता है, ये भी एंगल कितना होता है 45 डिग्री। ये बाई ज्योमेट्री चीजें एकदम दिमाग में रखिएगा, इनका यूज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कई जगह होता है, ये एंगल भी पाई बाई फोर होता है, ये एंगल, अच्छा इस केस में दोनों एंगल इक्वल जरूर होते हैं, नहीं इसमें इक्वल भी नहीं होते, बाकी केस में इक्वल भी नहीं होते, हाँ वो कोई भी एंगल हो सकते हैं, बट ये दोनों केस में ये एंगल कितने होते हैं पाई बाई फोर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका यूज कई बार क्वेश्चंस में होता है, एक तो इसके डायगनल की लेंथ सेम होती है, मतलब अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए डी ए सी और बी डी सेम होंगे, ठीक है ना, और ये एंगल कितना बनेगा बोलिए पाई बाई फोर। तो एक तो इस पे बेस क्वेश्चन होता है और क्या होता है कि डायगनल जो है वो बाइसेक्ट करता है, डायगनल जो है वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है दी एडजेसेंट एंगल को, या ऐसे कर दो डायगनल बाइसेक्ट दी एंगल ए बी सी एंड डी, ये समझ लो, या और ऐसे लिख लो कि डायगनल मेक्स 45 डिग्री, वो ठीक है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब वो आप समझ लिया, ये डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए सिचुएशन। भाई सॉल्व करने में इतना टाइम थोड़ी लगेगा इस क्वेश्चन को, भाई तुरंत आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया होगा, उस ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं, है कि नहीं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, मान लो ये पॉइंट 1, 2 है, ये पॉइंट 0, -1 और ये पॉइंट 2, -1 है, आपको वर्टेक्स एबीसी के पॉइंट निकालने हैं, तो बस एबीसी के पॉइंट मान के आप मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा दे रहे होगे। बोलिए भाई वही क्वेश्चन सॉल्व करके आया ना, एक शॉर्टकट होता है, वो उसी कैलकुलेशन से ऑब्जर्व किया गया, जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसी कैलकुलेशन से, अगर आपको साइड के क्या दिए हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिए और आपको वर्टेक्स निकालना है, मतलब ये पॉइंट आपको दिया हुआ x1 y1, ये पॉइंट आपको दिया हुआ x2 y2 और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको x3 y3, मतलब ये क्या है मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट, और आपको वर्टेक्स बताना है, तो ये वाला वर्टेक्स निकालने के लिए जो दो वर्टेक्स बना रहे हैं उनको ऐड करो, सामने वाला माइनस कर दो, तो ये वाला वर्टेक्स क्या होगा x1 प्लस x2 माइनस x3 y1 प्लस y2 माइनस y3, ऐसे ये वाला वर्टेक्स सोचो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो और इसको माइनस कर दो, तो क्या आएगा x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस y2, ऐसे ये वाला निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो और इसको, इन दोनों को ऐड करो और इसको क्या कर दो माइनस कर दो, बताओ क्या आएगा x2 प्लस x3 माइनस x1 कॉमा y2 प्लस y3 माइनस y1, ये काम आप कब करेंगे बताइए, जब आपको तीनों साइड के मिड पॉइंट दिए हो, तो आप सीधा ये कॉन्सेप्ट लगा दें, आप देखो क्वेश्चन का कैलकुलेशन कितनी तेजी से होगा, व्हाट इज ए 1 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 और साथ में 1 0, व्हाट इज बी 2 प्लस 1 3
और टू माइनस वन माइनस वन और टू माइनस वन, तो ये बचा कितना वन, और वन वन प्लस वन टू, सी पॉइंट कितना होगा टू और जीरो टू माइनस वन वन, और माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और साथ में माइनस टू माइनस फोर। देखो क्या यही आंसर आ रहा था किसी ने अगर सॉल्व किया हो तो। यस सर, देख लीजिए अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो एबीसी का यही आंसर आ रहा है क्या? आपने तीन वर्टेक्स आपसे माने होंगे। यस सर, बता दिया आपने वो इक्वेशन मानी होगी ना अल्फा बीटा बीटा, वही एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, फिर मिड पॉइंट, फिर सारे एक्स ऐड किए होंगे, बट उसी सारे रिजल्ट को ऑब्जर्व करके ये रिजल्ट बनाया गया। तो अगर आपको मिड पॉइंट पता है तो सीधा ये वर्टेक्स निकाल दो, समझ रहे हो कि नहीं, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। इन दोनों को ऐड करो ये माइनस, इन दोनों को ऐड करो ये माइनस, इन दोनों को ऐड करो ये माइनस, खत्म, क्लियर। चलिए अब हम बात करने वाले थे नॉर्मल फॉर्म की। चलिए इस क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म में करते क्या वो देख लो। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर आप देखो नॉर्मल फॉर्म की आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 3x plus y equal to minus 8 करो, x upon, नहीं नहीं नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है ना, तो इसको क्या करो रूट थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर दो, तो रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस वन बाई टू इंटू वाई इक्वल टू माइनस टू रूट टू। इसके बाद इस पी को पॉजिटिव कर लो, तो जैसे पी को पॉजिटिव करोगे तो माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स, ये ध्यान रखिएगा यही स्टेप करके ही आप वो अल्फा और वो सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, टू रूट टू। अब ये वाली वैल्यू हो गई कॉज अल्फा, ये वाली वैल्यू हो गई साइन अल्फा, और ये वैल्यू हो गई पी, पी पॉजिटिव करते हैं ना, तो यहाँ से कॉज अल्फा जो है वो माइनस हाफ आ रहा है और जो साइन अल्फा है वो माइनस रूट थ्री बाई टू आ रहा, दोनों निगेटिव आ रहे हैं। टेन अल्फा जब आप निकालोगे, सही है उल्टा लिख दिया, कॉज अल्फा जो है वो आ रहा है माइनस रूट थ्री बाई टू और साइन अल्फा जो है वो माइनस हाफ आ रहा है, और जब टेन अल्फा निकालोगे तो रूट थ्री आएगा। अब इन दोनों को देख कर डिसाइड होगा कि अल्फा जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 210 डिग्री होगी, समझ गए। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x cos 210 y sin 210 is equals to p, ये लाइन की इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में। तो वो a square plus b square से डिवाइड पहला स्टेप और उसके बाद एनालिसिस, ठीक है। यहीं पर अगर आप दूसरा काम इसको ऐसे करते तो लाइन आपकी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे होती ये वाली सिचुएशन, फिर आप ये वाला एंगल ड्रॉप करते और उसका एंटी क्लॉक सेंस एंगल निकालते तो ये अल्फा निकल गया था, समझ में आया कि नहीं, और लाइन ये आ ही रही होती क्योंकि एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट इसके कैसे आ रहे हैं, निगेटिव टाइप के आ रहे थे। बोलो भाई ये वाली लेंथ कितनी आती, एट बाई रूट थ्री, और ये वाली लेंथ कितनी आती एट, देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, तो उसके हिसाब से भी आप अल्फा निकालना चाहते तो वैसे भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो पहले रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर बाकी चीजें कन्वर्ट करके आप वो एनालिसिस करेंगे तो आपका आंसर हर बार कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्या ये बात नॉर्मल फॉर्म, तो लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू वन, ए और बी दोनों पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ए प्लस बी सेवन दिया हुआ, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, समझ गए कि नहीं भाई। लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, माइनस थ्री बाई कॉमा एट से, तो थ्री बाई एट प्लस एट बाई बी इक्वल टू वन, क्या ये बात समझ में आई। इसी और इस और पहली और दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करके ए और बी निकाल दीजिए, वो भी कौन सा पॉजिटिव वाला, समझ रहे हो कि नहीं, तो बस सॉल्व कर दो। माइनस थ्री बी का मतलब सेवन माइनस ए प्लस एट ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। इसी को सॉल्व करोगे तो माइनस ट्वेंटी वन प्लस थ्री ए प्लस एट ए इज इक्वल टू सेवन ए माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो, सेवन इंटू थ्री, तो ए प्लस सेवन और ए माइनस थ्री, यानी ए की वैल्यू थ्री आ गई, बी की वैल्यू फोर आ गई, यही आंसर आ गया क्योंकि पॉजिटिव ही लेना था, आया ना। तो इसका मतलब लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई, x बाई थ्री वाई बाई फोर इक्वल टू वन,
यानी 4x plus 3y equal to 12. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या लॉजिक, क्यों, किस वजह से क्या किया गया, ये बात क्लियर हो रही होगी सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है, बोलो जल्दी से, आगे बढ़े क्या भाई, बोलिए, यहाँ तक ओके है भाई? अगर आपको दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है और उनका स्लोप m1 और m2 है, जैसे एक लाइन आपने ये लिखी, एक लाइन आपने ये लिखी, ये लाइन है y equal to m1x plus c1, ये लाइन है y equal to m2x plus c2. अच्छा, जब लाइन का स्लोप लिखा जाता है तो ये अंडरस्टूड है कि m1 and m2 both finite है, तभी हम ये वाला रिजल्ट लगाएंगे जिस रिजल्ट का हम डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं. और उनके बीच का एंगल कैसा है? थीटा है, तो ऑब्वियसली हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, मॉड ऑफ m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1. That is theta is angle between the line. तो आप tan theta का सीधा ये वाला result लगा देते हैं, तो वहां से आपको उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकल आता है. अच्छा, हमने mod क्यों लगाया है? क्योंकि ऐसे दो एंगल पॉसिबल है ना लाइनों के बीच में, एक ये वाला और एक ये वाला. तो अगर एक एंगल एक्यूट होगा तो by default, एक एंगल अगर एक्यूट होगा तो by default दूसरा एंगल क्या होगा? obtuse होगा. समझ में आया कि नहीं? अब हमसे कोई क्वेश्चन के हिसाब से कहे कि हमें फॉर्मूला बिना मॉड के लगाना है, तो यही फॉर्मूला विदाउट मॉड यूज करना है, विदाउट मॉड. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप पहले रफली दोनों लाइनें ड्रॉ कर लो, इंटरसेप्ट के हिसाब से दोनों लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी, फिर एंटी क्लॉक सेंस में ये एंगल ले लो, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एंटी क्लॉक. फिर ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है, तो एंटी क्लॉक सेंस में जब एंगल लोगे तब इसका फॉर्मूला लिख देना m2 minus m1 upon 1 plus m2 m1 without mod, एंटी क्लॉक सेंस में, ध्यान रखिएगा विदाउट मॉड फॉर्मूला एंटी क्लॉक सेंस में लिखना. सबसे पहले आप दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर विदाउट मॉड एंटी क्लॉक सेंस में आप फॉर्मूला लिखेंगे. एग्जाम्पल आपको समझाऊं, जैसे सपोज ये है, देखिए ध्यान से, हमने दो लाइनें ली, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है, ये लाइन हम कह देते हैं y इक्वल टू x, ये लाइन हम कह देते हैं y इक्वल टू 2x, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा. अब विदाउट मॉड फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2, देखो ये आंसर 1 बाई 3 आ रहा है, दिखा? अच्छा, अगर हम ये वाला एंगल निकालते अल्फा एंटी क्लॉक सेंस में, तो अब ये वाला tan अल्फा निकालो, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 आएगा. अब ये देखो माइनस 1 बाई 3 आ रहा है, चेक करके बताओ, तो देखो थीटा जो है वो एक्यूट आ जा रहा है, दिखा कि नहीं कॉन्सेप्ट भाई, और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज आ जा रहा है. क्या हमें फॉर्मूले में मॉड लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं, जो सिचुएशन थी उसी के हिसाब से हमने आंसर निकाल लिया. मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये फॉर्मूला आप विदाउट मॉड यूज कर सकते हैं. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाला फॉर्मूला m1 m2 वाला केवल तभी यूज होगा जब m1 m2 दोनों कैसे होंगे? फाइनाइट. ये ध्यान रखिएगा, अगर ये m1 m2 फाइनाइट नहीं है तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप यूज ही तब करेंगे जब m1 m2 कैसा होगा भाई? फाइनाइट होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा. क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर? चलिए, इसके बाद इस फॉर्मूले के यूज, एंगल की तो बात हो गई, अब इस फॉर्मूले के यूज पर बेस दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मतलब जो जनरली पूछ लिए जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स थीटा एंगल विद द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एक लाइन है, या ऐसे कहते हैं विद स्लोप m, मतलब एक लाइन जिसका स्लोप m है उससे थीटा एंगल बनाती हुई लाइन, मतलब थीटा एंगल बनाती हुई लाइन, और एक लाइन जिसका स्लोप m है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो उस स्लोप को डायरेक्ट लिखना होता है, जो स्लोप आप लिखते हैं ना रिक्वायर्ड स्लोप, वो होता है m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा. ये रिजल्ट आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करते हैं. अगर आपको थीटा एंगल पे स्लोप निकालना है, तो मतलब किसी भी लाइन से थीटा एंगल पे
रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आपको डिस्कस करना है, तो वो स्लोप निकालने का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दो स्लोप इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शन की बात चल रही होती है। दो स्लोप इसलिए, जैसे ये लाइन है, इससे थीटा एंगल पे एक ये भी लाइन पॉसिबल है, और इससे थीटा एंगल पे एक ये भी लाइन पॉसिबल है। एक ये सिचुएशन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ये लाइन है, इससे थीटा एंगल पे एक ये लाइन पॉसिबल है, और एक थीटा एंगल पे यही सेम ये लाइन पॉसिबल है। दिख रहा है कि नहीं आपको, जहां पे इस लाइन का स्लोप एम है और ये रिक्वायर्ड लाइन वाली स्लोप है एम आर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? इस लाइन का स्लोप एम है और ये दोनों लाइनें आपने कैलकुलेट करनी है, इसे हम एम आर कह देते हैं, जिनका स्लोप आपने निकाला है। अगर एक का स्लोप प्लस वाले से आएगा, अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चाहो तो आप इस रिजल्ट को अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप इस रिजल्ट को ऐसे भी समझ सकते हो, एम प्लस टेन थीटा बाई वन माइनस एम टेन थीटा लेते हैं, या फिर हम क्या लेते हैं बोलो, एम माइनस टेन थीटा बाई वन प्लस एम टेन थीटा। मतलब जब एक ऊपर माइनस लेते हैं तो नीचे प्लस ले लेते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो। क्लियर है? अच्छा, ये लॉजिक वही है, या तो सिचुएशन डायग्राम वाइज ऐसी दिख रही होगी तो ये सेम कॉन्सेप्ट लगाना, या ऐसी दिख रही होगी तो ये सेम कॉन्सेप्ट लगाना। तो अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता और उससे थीटा डिग्री एंगल पे कोई भी लाइन का स्लोप चाहिए तो उसको करने का तरीका ये होता है। बट अगर हमको सेंस दे दे, मतलब दोनों तरफ की लाइनें निकालनी है, तब तो हम यही काम करेंगे। बट अगर हमसे ये कह दे कि एक लाइन ये है जिसका स्लोप एम है, गिवन स्लोप, ठीक है, और उससे थीटा एंगल, उस लाइन को रोटेट किया गया किसी पॉइंट के रेफरेंस में, और वो भी किस सेंस में, एंटी क्लॉक, सही है, तब हमें नई लाइन का स्लोप बताना है। तब आप हमें इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो डिसाइड करना पड़ेगा, तब हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ किसका फॉर्मूला लगा देंगे, टेन थीटा का, जिसकी वजह से रिजल्ट आता है, वो एंटी क्लॉक में बिना मॉड के लगा देंगे, बाई एम वन प्लस एम आर ए एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेन थीटा प्लस एम आर एम टेन थीटा इज इक्वल टू एम आर माइनस एम। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां से एम आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एम प्लस टेन थीटा बाई वन माइनस एम टेन थीटा, दिखा क्या? तो वो आंसर, वही आंसर, इसी टाइप के दोनों आंसर लिखें। जब आप ऐसे ही क्लॉकवाइज करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। बट ये काम आप तब करेंगे जब आप रोटेट कर रहे होंगे, कैसे बोलिए, क्लॉकवाइज, मतलब किसी भी लाइन को आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे तब आप ये सेम काम कर रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए, जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे तब आप ये सेम काम करके अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, सही है ना? मतलब इस पॉइंट पी के रेफरेंस में आपने लाइन को रोटेट किया है, मतलब लाइन एल स्लोप एम रोटेट्स एन एंगल थीटा, ठीक है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट पी, देन स्लोप ऑफ न्यू लाइन क्या होता है, तो ये है, मतलब तो किसी भी एंगल्स पे अगर कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप निकालने का तरीका यही होगा, वो आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल वाइज समझो, जैसे मान लो हमने एक लाइन ली जिसका स्लोप हमने लिया थ्री, उससे 30 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन का स्लोप आपको चाहिए, ऐसे 30 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन का स्लोप आपको निकालना है, आप क्या लगा दोगे, एम 30 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन का स्लोप चाहिए, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप सीधा क्या होगा, 10 30 लगाना है हमें, 10 30 मतलब 1/√3, तो सीधा आंसर क्या लिखोगे बोलो, बाई 3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 - 3/√3, या फिर 3 - 1/√3 अपॉन 1 + 3/√3, और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए? गुड, इसके बाद आता है कंडीशन फॉर इक्वली इंक्लाइन, मतलब
टू लाइंस। सर एक सेकंड स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा ऊपर। टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद गिवन लाइन, मतलब दो लाइनें एक गिवन लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो उस कंडीशन को कैसे डील करते हैं? दो लाइनें गिवन लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो उस कंडीशन को आप डील कैसे करते हैं? बात उसकी हो रही है, सही है? तो इक्वली इंक्लाइंड में करोगे क्या? जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और इससे दो लाइनें इक्वली इंक्लाइंड है, एक ये है और एक लाइन सपोज ये है, तो इक्वली इंक्लाइंड का एक तो मतलब ये हो गया कि दोनों एंगल सेम हो जाए। इक्वली इंक्लाइंड का एक तो मतलब ये हो गया कि दोनों एंगल क्या हो, सेम हो जाए। तो ऑब्वियसली इक्वली इंक्लाइंड का यही तो मतलब हुआ, ये एंगल अगर थीटा हो तो ये वाला एंगल भी क्या हो रहा हो, थीटा। एक सिचुएशन, या इक्वली इंक्लाइंड ऐसे भी कह सकते हो कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों लाइने भी कैसी है, इक्वली इंक्लाइंड है। एक ये लाइन है जो थीटा एंगल बना रही है और एक ये लाइन है जो थीटा एंगल बना रही है, ये दोनों लाइनें भी तो गिवन लाइन के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो ऑब्वियसली टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर हम इस लाइन का स्लोप एम कह दें, इस लाइन का स्लोप कह दें एम टू और इस लाइन का स्लोप कह दें एम थ्री, इसका स्लोप एम कह दें, इसका स्लोप क्या कह दें एम टू और इसका स्लोप क्या कह दें एम थ्री, तो ऑब्वियसली टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो कंडीशन क्या आएगी, बिना मॉड के m2 वाला फॉर्मूला लिख दो, तो m2 minus m upon 1 plus mm2 is equals to m minus m3 upon 1 plus mm3, बस यही केस लगा दीजिएगा, बस यही केस लगा दीजिएगा, तो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा। तो इक्वली इंक्लाइंड में अगर मान लो एक लाइन, एक दो लाइनों का स्लोप पता है और तीसरी लाइन का स्लोप चाहिए, तो सीधा ही रिजल्ट लगा दो, तीसरी लाइन का स्लोप मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये रिलेशन बिटवीन स्लोप्स हो गया। और इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। समझ गए कि नहीं भाई? अब इसी चीज को अगर मैं आइसोसेलिस ट्रायंगल में यूज करूं, अगर इसी चीज को मैं आइसोसेलिस ट्रेंगल में यूज करूं, तो आइसोसेलिस ट्रेंगल की तीन साइड आपको पता होती है, सपोज ये ए, ये बी, ये सी, ये दोनों साइड लेंथ सेम होती है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं कह सकता हूं ना कि लाइन बी सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ए बी एंड ए सी, क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर आपको ऐसे भी कह के दे दे तो भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल के केस में ये इक्वली इंक्लाइंड का एक कंडीशन लगता है, वहां से आपको अगर दो लाइनों का स्लोप पता है, सपोज हमें इन दो लाइन का स्लोप पता है, ठीक है ना, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं बाई यूजिंग इक्वली इंक्लाइंड कंडीशन। क्यों? क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो टेन थीटा, ये वाला टेन थीटा जो एंटी क्लॉक सेंस में निकलेगा, दोनों बराबर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? याद रखिएगा, यहाँ पे जो ये टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया जाता है वो एंटी क्लॉक सेंस में ही लगाया जाता है, क्लियर है? इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ जो ये आपने टेन थीटा का रिजल्ट निकाला है ना, ये वाला, ये रिजल्ट किस सेंस में निकाला है? एंटी क्लॉक सेंस में। ये रिजल्ट हमने किस सेंस में निकाला? यूज इन एंटी क्लॉक सेंस, ये ध्यान रखिएगा बस। तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है ना, इसमें ये वाला ऐसे लगाया है, यहाँ पर ये देखो, ये एंटी क्लॉक सेंस में फॉर्मूला लगाया, तो क्या किया, M2 minus M1, लिखा, यहाँ पर भी एंटी क्लॉक सेंस में लगाया, सही है, तो क्या लिखा, M1 minus M3। मेरी बात दिखी कि नहीं, बताइए? यस सर। ये चीज ध्यान रखिएगा, उसी सेंस में यहाँ भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा एंटी क्लॉक सेंस बना के, तो ये वाला एंटी क्लॉक सेंस ये हो जाएगा ऐसे, और ये वाला एंटी क्लॉक सेंस ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बस टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के जो भी एनालिसिस आपको करना होगा उसको आप करके सिंपलीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद एंगल में रिलेटेड क्वेश्चन एक सिचुएशन से भी पूछे जाते हैं,
जैसे अब एक लाइन आपने कहा ना, अगर m1 m2 का फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब स्लोप क्या हो, फाइनाइट हो। अब मान लो एक लाइन ऐसी हो जो कि पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो उसका स्लोप तो डिफाइन होगा नहीं। और दूसरी लाइन ऐसी हो जिसका स्लोप हो mx + c। अब यार इनके बीच का भी तो एंगल डिफाइन करना होगा ना। हाँ या ना, मतलब एंगल बिटवीन द लाइन y = mx + c एंड x = k इज थीटा। तो जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1/mod n। सेम एंटी क्लॉक सेंस में अगर लगा दोगे तो मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी एक लाइन और एक लाइन जो किसके पैरेलल हो, तो tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको जनरली किताबों में लिखा नहीं मिलता है। समझ में आया कि नहीं? जनरली किताबों में ये फॉर्मूला लिखा नहीं मिलता है। उसका लॉजिक एकदम सिंपल सा है, फॉर्मूले में बहुत टफनेस कुछ नहीं। भाई ये लाइन का अगर स्लोप एंगल थीटा है, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा वन है, तो ऑब्वियसली अगर हम tan थीटा वन निकाल देंगे तो वो स्लोप हमें m मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा वन है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा वन हुआ, तो क्या हम थीटा को 90 माइनस थीटा वन कह सकते हैं? तो इसी tan थीटा को हम tan ऑफ 90 माइनस थीटा वन कह सकते हैं। तो इसका मतलब यही tan थीटा किसके बराबर आ जाता है? cot थीटा वन के। दिखा कि नहीं? और cot थीटा वन मतलब 1/m, तो वही रिजल्ट लगा कि -1/m। भाई अगर एक एक्यूट है तो दूसरा तुरंत क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस। तो अगर एक प्लस में है तो दूसरा वाला आंसर तुरंत हम किस में लिख देंगे? माइनस में। तो वही रिजल्ट हमने यहाँ लगा दिया। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब बात आती है पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये तो बताने हैं नहीं कि L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस। बोलिए, तो ऑब्वियसली दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम। अरे हाँ या ना। और अगर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर लाइन होंगे तो -1 दोनों का प्रोडक्ट होगा। अगर दोनों स्लोप फाइनाइट है तो। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर दोनों फाइनाइट है तो याद रखिएगा ये सारे रिजल्ट तब हैं M1 एंड M2 बोथ फाइनाइट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तब M1 = M2 कहते हैं, क्योंकि तभी आप स्लोप डिफाइन करेंगे ना, और तब M1 × M2 -1 है। मतलब एक्सिस के पैरेलल लाइन होंगी तो उसमें स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये वाला जो रिजल्ट है ना परपेंडिकुलर वाला, ये वाला जो रिजल्ट है परपेंडिकुलर वाला, वो रिजल्ट ऐसे है कि अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, और लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एक्सिस के पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं बट उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अच्छा, अब जैसे मान लो अगर एक लाइन है ax + by + c = 0 लाइन दिस, और हमें एज्यूम करना है पैरेलल लाइन को, एज्यूम पैरेलल लाइन टू l, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? ax + by सेम रखेंगे और =λ कर देंगे। अगर यही हमें एज्यूम करना हो क्या परपेंडिकुलर लाइन को, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? बोलिए, bx - ay = λ। अब हम क्या करेंगे, a और b के कोफिशिएंट को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज, और बीच में माइनस लगा देंगे। तो ये डायरेक्ट अजम्पशन यूज किए जाते हैं। आप स्लोप से भी कर सकते हो, एक का स्लोप m है तो दूसरे का भी m हो जाएगा, एक का m है तो दूसरे का -1/m हो जाएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। मतलब ज्योमेट्री वाइज भी चीजें आप समझ सकते हो। अगर लाइनें ऐसे दोनों पैरेलल हैं, तो इसका अगर स्लोप m है तो इसका स्लोप भी आप m ले लोगे, वो सिचुएशन ली है। और अगर ऐसे लाइनें हैं, एक लाइन ये और एक लाइन उसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप आप -1/m ले लोगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सब बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अजम्पशन भी ले सकते हो, उस हिसाब से आप लाइनें पैरेलल और परपेंडिकुलर एज्यूम भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब ये जो ज्योमेट्री बनाई है, तो ज्योमेट्री में तीन केस हैं, फॉर टू लाइंस L1 एंड L2।
फॉर टू लाइंस L1, L1 मतलब A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज जीरो एंड L2 A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होगा कि अगर लाइनें क्या है पैरेलल हैं, पहला केस वो दोनों लाइनें कैसी हैं भाई पैरेलल हैं, ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। अगर पैरेलल होने के साथ साथ दोनों लाइनें क्या कर गई कोइंसाइड कर गई तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। और अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो पहला केस क्या हो गया पैरेलल लाइंस, दूसरा केस क्या हो गया कोइंसाइड, और तीसरा केस क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आया कि नहीं भाई बोलिए। तो जहां जैसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से, अब यहाँ पे ऑब्वियसली स्लोप सेम है इसलिए रिजल्ट आया। अगर वो C1/C2 के बराबर आया तो लाइनें, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी और यहाँ पे यूनिक। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है कि किसी भी लाइन का यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइनों का यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो आप वो कंडीशन और वो रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये करना क्या काम था, तो टेन थीटा क्या हो गया, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ एम प्लस टेन थीटा बाई वन माइनस एम टेन थीटा। तो क्या पहला स्लोप आ गया -3, तो दूसरा स्लोप कितना आ जाएगा 1/3। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, लाइन आ जाएगी y माइनस सिक्स अपॉन x माइनस फाइव, एक बार माइनस थ्री कर दो, और y माइनस सिक्स अपॉन x माइनस फाइव, एक बार 1/3 कर दो। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है, बोलो। अरे बताओगे भाई, सिंप्लीफाई करो, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, पहला ऑप्शन है और दूसरा है एक्स माइनस थ्री वाई। ए सही है क्या, देखो आंसर यस सर ए आया। चलिए अगला वाला सॉल्व करिए। ए एंड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओ ओरिजिन है, ओ ए और ओ बी का स्लोप दिया हुआ है, ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो ए बी लाइन का स्लोप बताना है। आनी चाहिए कुछ ऐसे आइसोसेलिस इक्वल इंक्लाइंड, ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं बोलो। ये ओ पॉइंट मान ले, ये ए कह दें, ये बी कह दें, ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ऐसा ही तो कह रहा है क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम है। इसी लाइन का स्लोप आपको निकालना है, इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है ओ ए का 1 है क्या, और OB का स्लोप कितना दिया हुआ है 7, तो बस tan थीटा इक्वल इंक्लाइंड के केस में बराबर कर दो उठा के ना। तो पहले वाले केस में अगर आप tan थीटा एंटी क्लॉक सेंस में लगाओगे तो 1 - m / 1 + m आएगा, और दूसरे वाले सेंस में फॉर्मूला लगाओगे तो m - 7 / 1 + 7 m आएगा। इसी को बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था। नहीं भाई बोलो, क्या मेरी बात समझे नहीं समझे बताओ। तो ये रिजल्ट कितना आ रहा है, 8m² यानी कि एंड -7m - 14 और -12m और साथ में -7 ये और -8, देखो क्या सही लिख रहा हूं मैं बोलो। तो शायद आ रहा है 2m² - 3m - 2, तो यहां से अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2m - 1
एंड m माइनस टू, तो 2m प्लस 1 m माइनस टू, यानी कि m की वैल्यू या तो 2 आएगी या माइनस टू। क्या आंसर में माइनस टू? देखिए क्या है, पूरी कहानी समझ में आई? इक्विल इंक्लाइंड ऐसी फीलिंग आई कि नहीं आई क्वेश्चन पढ़ने के बाद? बोलो। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी कि OA और OB दोनों का स्लोप था, OA इक्वल टू OB, ये इंपॉर्टेंट है। तो OA इक्वल टू OB, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। बस यही चीज आपको ऑब्जर्व करनी थी। अगर आपको एरिया के तीनों वर्टेक्स दे दूं, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री, तो इसका एरिया तो आप लिख ही लोगे ना, वन बाई टू एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये वाला डिटरमिनेंट निकाल लोगे। बस ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एरिया निकालते हैं तो वो एरिया की वैल्यू हमेशा किस में आती है? जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आप हमेशा किस में लेंगे? चलिए, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे सीधा फॉर्मूला लगा के। इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ पॉलीगन, क्योंकि इस पर बेस एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। एरिया ऑफ पॉलीगन, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने पॉलीगन बनाया तो जितने भी पॉइंट आप लेते हैं वो सारे पॉइंट सेम साइक्लिक सेंस में होने चाहिए। मतलब एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, डॉट 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 एक्स एन वाई एन, फॉर्म्ड अ पॉलीगन, देन एरिया का रिजल्ट तो सिंपल है, वन बाई टू पूरा मॉड के अंदर। एक तरफ से स्टार्ट करो, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू पहला डिटरमिनेंट, फिर एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री दूसरा डिटरमिनेंट, ऐसे करते करते लास्ट तक जाओ तो एक्स एन वाई एन और एक्स वन वाई वन, ये वाला डिटरमिनेंट बंद कर दो, फिर मॉड लेके पूरा एरिया निकाल दो। तो एरिया तो एकदम सही आ गया, बट ये एरिया सही तब आएगा जब ऑल एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ये सारे जो पॉइंट होंगे एक्स एन वाई एन, ये सेम साइक्लिक सेंस में होंगे। ये कैसे होंगे? सेम साइक्लिक सेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? अच्छा, सेम साइक्लिक सेंस से मेरा मोटो क्या है? मेरा मोटो सिंपल है भाई, x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 xy y5 x6 y5, ऐसे करके। मतलब सारे पॉइंट सेम साइक्लिक सेंस में आखिरी तक ऐड होने चाहिए जाके, और फिर वो क्लोज ज्योमेट्री बननी चाहिए। मतलब अगर हम इस पॉइंट को कह दें x1 y1 है तो ये साइक्लिक सेंस x2 y2, ये साइक्लिक सेंस x3 y3, ये अगला वाला x4 y, तो सारे पॉइंट ऑफ सेम साइक्लिक सेंस में लेंगे। तो ऐसे ही पॉइंट, अच्छा सेम साइक्लिक सेंस में कैसे लेंगे भाई, ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारे पॉइंट जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि सारे पॉइंट को रफली, सारे पॉइंट को रफली आप ड्रॉ कर लेंगे कहाँ पे, अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे, और फिर आप सिंप्लीफाई करके एरिया निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड एरिया ऑफ पॉलीगन फॉर्म्ड बाई पॉइंट वन कॉमा टू और माइनस थ्री कॉमा वन, फिर फाइव कॉमा फोर एंड एंड माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, है ना, एंड सेवन कॉमा माइनस फाइव, इसका एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले सारे पॉइंट को आप रफली कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर लो, रफली एकदम। तो जैसे पहला पॉइंट आया वन कॉमा टू, सपोज वो पॉइंट मतलब हमने रफली सोचा यहाँ कहीं होगा। फिर अगला पॉइंट माइनस थ्री कॉमा वन है तो हमने उसको यहाँ कहीं ड्रॉ कर लिया। फिर अगला पॉइंट फाइव कॉमा फोर है तो फाइव कॉमा फोर यहाँ कहीं आ जाएगा, फाइव कॉमा फोर। फिर अगला पॉइंट माइनस थ्री कॉमा माइनस टू है तो वो यहाँ कहीं आ गया, माइनस थ्री। फिर अगला पॉइंट सेवन कॉमा माइनस फाइव है तो वो यहाँ कहीं आ गया। तो अब अगर हम इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखें तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनती हुई आ रही है, दिखा क्या?
आप जो सेम साइक्लिक सेंस में पॉइंट लेंगे तो उसके हिसाब से लेंगे, तो अगर यहाँ शुरू करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर आप यहाँ शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब आप एरिया निकालेंगे, समझ में आया? तो पहले रफली ड्रॉ कर लो और फिर एरिया निकाल लो। तो अब एरिया की ज्योमेट्री क्या लिखोगे, 1/2 किसी भी एक पॉइंट से शुरू करो, तो -3 -2 -7 -5 पहला बॉक्स, फिर 7 -5 1 2 दूसरा बॉक्स, फिर 1 2 5 4 तीसरा बॉक्स, फिर 5 4 -3 1 चौथा बॉक्स, फिर -3 1 -3 -2 लास्ट वाला बॉक्स, जहां चले थे वही खत्म। इन सबको ऐड करके अगर नेगेटिव आ रहा होगा मॉड लगा के आंसर एरिया का दे देंगे। क्या ये पूरी बात सबको समझ में आई, ये बताओ सर। हाँ बेटा सर, अगर इसी केस में -3,1 से डायरेक्ट 1,2 जोड़ दें और फिर 5,4 जोड़ें और फिर उसको जोड़ें नीचे वाले पॉइंट से 7,-5 से, क्या करें बेटा? नहीं समझा मैं। -3,1 से 1,2 को जोड़ दें, फिर ऐसे 1,2 से 5, ये सही वाला। कोई बात नहीं, ज्योमेट्री सेम है, एरिया सेम आ जाएगा, एरिया सेम आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने आपको रफली लोकेशन डाल के ऐसा बताया कि ऐसी सिचुएशंस हैं, वो तो आप ज्योमेट्री चेंज कर सकते हो ना उसके हिसाब से, वो पॉइंट उसी हिसाब से एडजस्टमेंट के साथ दिए होंगे ना, तो मैंने एक रफ पांच आपको ऐसी ज्योमेट्री में दिख गया, वरना तो सिचुएशन होगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ पहले, समझ गया कि नहीं? तो पॉलीगन का एरिया और इसका रेक्टेंगल का एरिया आप इजीली आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, √3/4 × 6² सही लिखा है क्या मैंने, ये बताओ बस मुझे। तो मतलब 36, तो क्या ये 9√3 आ गया, ये देख लो, बोलो। अच्छा अब अगर वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 है तो एरिया कितना हो गया, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही एरिया किसके बराबर है, 9√3 के। तो यहां से डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, अच्छा तुम 2 लेना भूल गए हो जनाब, नहीं बोलो, तो ये 18√3 आएगा ना, स्क्वायर करोगे तो आंसर 972 आता है, साथ देखो तुम 2 लेना भूल गए हो ना। सही लिखा है मैंने, ये बताओ भाई पहले, तुम ये वाला फॉर्मूले में 2 लगाना भूल गए हो, तुम सिर्फ डिटरमिनेंट ले गए हो। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ, आंसर ये आ रहा ना 972, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए यार no. हाँ भाई अगला ये वाला क्वेश्चन बताओ। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल 2,1 and 3,-2, थर्ड वर्टेक्स लाइन ऑन दिस लाइन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 8 यूनिट, तो थर्ड वर्टेक्स बताओ। अच्छा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना सा है, जब एरिया 8 दिया हुआ है तो उसको आप प्लस 8 भी लेंगे और माइनस 8 भी, क्योंकि पूरा एनालिसिस मॉड में चल रहा है ना। अच्छा थर्ड वाला वर्टेक्स इस वाली लाइन पे है, तो थर्ड वर्टेक्स को तुरंत एज्यूम कर लो, क्या आएगा थर्ड वर्टेक्स एज्यूम करने पे बताओ, λ, λ+2 आएगा। अब एरिया निकालो, एरिया हो जाएगा 1/2 λ, λ+2 1 2 1 1 3 -2 1, और इस एरिया को किसके बराबर कर दो, प्लस माइनस 8 के। नहीं समझे बोलो, क्योंकि ये मॉड में आएगा ना। अरे हाँ है ना, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल के रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, करना क्या था भाई? भाई एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है ना, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से बाई कैलकुलेशन एरिया की वैल्यू आप एक बार प्लस 8 लेंगे और एक बार माइनस 8। ये ध्यान रखिएगा, जब भी एरिया दिया जाएगा तो रिजल्ट मैग्नीट्यूड में दिया जाता है, और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से वो हमेशा प्लस माइनस में ही काउंट होता है, और उसके हिसाब से आप उसका एनालिसिस कर लेते हैं। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, इसको देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। एरिया की वैल्यू प्लस माइनस 8 ले ली थी बस, वहां से आप सीधा सिंपली लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, वो उठा के यहां रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।